चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस वन अपॉन n स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर n प्लस टू अपॉन n स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू वन अपॉन n. अब सबसे पहले हमें लास्ट टर्म को कुछ ऐसे फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा ताकि हम r की वैल्यूज पहचान पाए कि कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं. अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे लिखूंगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो मेरे पास है ही, एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, एन प्लस टू अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू, मैं इसे क्या लिख रहा हूं, वन बाय एन को मैंने लिखा एन प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. देखिए वन बाय एन को मैंने क्या लिखा, एन प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. क्यों ऐसा, क्योंकि एन प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n अपॉन 2n स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा n स्क्वायर, एक n भी कटेगा तो क्या बचेगा, ये 1 बाय n ही बचेगा. मैंने इसलिए ऐसा लिखा कि आप देखिए अब सारे के सारे टर्म्स क्या हो चुके हैं, बिल्कुल एक जैसे हो चुके हैं, बस r की जो वैल्यूज है 1 है फिर 2 है फिर 3 है, कहां तक है n तक. डिनोमिनेटर में भी r स्क्वायर, यहां पर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, कहां तक जा रहा है n स्क्वायर तक. बारी आती है जनरल टर्म लिखने की, मतलब हमारा rth टर्म. तो rth टर्म मेरे पास क्या हो जाएगा, समेशन r इज इक्वल टू कहां से कहां तक, यहां भी 1 यहां भी 1, यहां 2 है यहां 2 है, r इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक जा रहा है, लास्ट में n तक जा रहा है, और n प्लस r अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. आप ध्यान से समझिए इस बात को, n तो न्यूमिरेटर में सभी में है, प्लस में वेरिएबल, डिनोमिनेटर में n स्क्वायर है सब में और साथ में वेरिएबल का स्क्वायर है, तो n प्लस r अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ये हो गया. जो वैल्यू बदल रही है उसको आपको r रख देना था. अब आप कहेंगे कि सर अब कैसे काम होगा, यहां पर 1 बाय n कैसे आएगा, तो आप क्या कीजिए, आप कुछ ना कीजिए, आप r यहां पर से n कॉमन लीजिए, r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक है, आप यहां पर न्यूमिरेटर में से n कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस r अपॉन n. क्यों भाई ऐसा क्यों, क्योंकि जब n कॉमन आएगा तो यहां तो 1 बचेगा पर यहां तो n है ही नहीं, तो कॉमन भी ले लोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 बाय n मतलब r बाय n हो गया. यहां पर मैं n स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस r बाय n का स्क्वायर बचेगा. इतना कि n कॉमन लिया तो 1 प्लस r बाय n, यहां से n स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस r बाय n का स्क्वायर हो गया. अब इतना करने के बाद ये n और यहां पर एक n कट जाएगा तो ये 1 by n बचेगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, n ही बचेगा. तो अब मैं इसे थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके लिखूं तो मैं बस ये लिखूंगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, 1 प्लस r by n ये हो गया मेरे पास, अपॉन 1 प्लस r by n का क्या हो जाएगा, स्क्वायर. और साथ में पूरे के साथ में को क्या लगा देना है बाहर, क्योंकि एक n बचा हुआ है, तो मैं पूरे के साथ ही बाहर में क्या लगा दूंगा, यहां पर मैं 1 by n लगा दूंगा. आती है बारी सब्स्टिट्यूशन की, पहले लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं. लिमिट हालांकि आप देखते से ही बता सकते हो कि भाई लिमिट तो 0 से लेके 1 तक होगी, क्योंकि n का कोफिशियंट क्या है, n का कोफिशियंट 1, तो लिमिट हमारी 0 से 1 तक होगी. पर फिर भी आप कैलकुलेट करना चाहें तो यहां कैलकुलेट कर देते हैं कि लोअर लिमिट आएगी r by n से, r इज इक्वल टू 1 से n टेंड्स टू इंफिनिटी तो ये तो हो गया 0, और अपर लिमिट में यहां पर r by n में r कहां तक जा रहा है, n by n तक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1. तो मेरी लिमिट हो चुकी है 0 से लेके 1 तक, ऊपर है मेरे पास 1 plus x, नीचे है मेरे पास 1 plus x स्क्वायर, और साथ में 1 by n को मैं क्या रखूंगा, dx. अब आती है बारी इसके इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन इसका कैसे किया जाए. तो इंटीग्रेशन करना कोई कठिन काम नहीं है, आप क्या करेंगे, 0 से लेके 1 तक 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग, अब प्लस 0 से लेके 1 तक x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग. ये हमने सेपरेट सेपरेट कर दिया. ऐसा क्यों किया, पहले मैं फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेट कर देता हूं. पहले फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग tan इनवर्स x. लिमिट क्या होगी, 0 से लेके 1 तक,
ये इंटीग्रेट हो गया, पर सेकंड पार्ट में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सेकंड पार्ट में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन भी क्या, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं क्या पुट करूंगा, टी, लिमिट चेंज होगी, x की जगह 0 रखोगे तो t क्या हो जाएगा, implies that t is equal to हो गया 1, x की जगह जब 1 रखोगे 1 plus 1 square is equal to t, implies that t is equal to क्या हो गया 2, तो ये तो लिमिट आ गई मेरे पास, कि लिमिट होगी मेरे पास 1 से लेके 2 तक। अब इसके अलावा जब मैंने 1 plus x square को क्या रखा, t, तो twice of x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt, इसका मतलब x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt by 2, इतना हो जाएगा। करते हैं भाई सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन सेकंड वाले पार्ट में, कि जो सेकंड वाला पार्ट था मेरे पास वो हो जाएगा लिमिट कहां से कहां तक, आप कहेंगे सर लिमिट आपने 1 से 2 तक निकाली है, ठीक है, x dx जो है वो हो जाएगा dt अपॉन में 2, 1 plus x square सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t, इतना। और आगे वाले का इंटीग्रेशन मैंने निकाल ही रखा है, tan इनवर्स x लिमिट 0 से लेके 1 तक, तो tan इनवर्स x में अपर लिमिट होगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, आपको दोनों की वैल्यू पता है, और प्लस ये हो जाएगा 1 बाय 2, 1 बाय t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log of t लिमिट, लिमिट है 1 से लेके 2, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4, सॉरी माइनस tan इनवर्स 0 तो क्या हो जाएगा 0, चाहो तो मत भी लिखो आप, 1 बाय 2, अब tan inverse, sorry, log of t है, अपर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा log 2 माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा log of 1, log 1 भी आप जानते हो 0 है, तो मेरा जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2 log 2, यही क्वेश्चन का क्या है आंसर, यहां पर क्या आएगा पाई बाय 4, ये पाई बाय 2 नहीं है, क्या है पाई बाय 4, पाई बाय 4 0 हटा दीजिए, 1 बाय 2 log 2, log 1 भी क्या हो चुका है 0, तो यही मेरे इक्वेशन का क्या है फाइनल आंसर। तो क्या क्या मैंने कर दिया यहां पर, मैंने सिर्फ और सिर्फ जनरल टर्म बनाने के लिए लास्ट टर्म को किया चेंज, लास्ट टर्म को चेंज करने के बाद मैंने n plus r upon n square plus r square जनरल टर्म बनाया जिसमें n कॉमन लेंगे ताकि हमारे पास 1 by n आ जाए और r by n आ जाए, r by n को आपको x रखना है, 1 by n को dx और लिमिट आप r by n से आप निकाल ही लोगे, सारी चीजें करने के बाद इंटीग्रेशन करने के लिए भी आपको न्यूमेरेटर्स को सेपरेट करना पड़ेगा, एक tan इनवर्स बनेगा और एक लॉगरिथम बन जाएगा अगर आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, तो एक लॉग बन जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे और आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n अंडर रूट ऑफ n प्लस r अपॉन n माइनस r। अब आप ये जानते हैं कि आप सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट कर देंगे यहां पर, तो चलिए लगाते हैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले जब मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो इंटीग्रेशन पहले तो मेरे को यहां पर 1 बाय n लाना पड़ेगा या फिर ये जो यहां पर r बाय n लेकर आना पड़ेगा, तो देखिए 1 बाय n समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, अब अंडर रूट में मैंने क्या किया यहां पर n लिया कॉमन तो एक हो जाएगा 1 प्लस r बाय n और जब n लिया कॉमन तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस r बाय n, ऐसा करना जरूरी है, ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि आपके पास क्या बन जाए यहां पर r बाय n बन जाए जिसे हमें क्या करना है x सब्स्टिट्यूट करना, ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आती है आप बात आगे की, तो ये समेशन रिप्लेस होगा इंटीग्रेशन से, लिमिट लगेगी r बाय n, r की जगह आप रखेंगे 1, n की जगह आप रखेंगे इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा लिमिट 0, और यहां r बाय n की जगह r बाय n इज इक्वल टू r की जगह n बाय n, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो मतलब लिमिट तो मेरे पास क्या लग गई, लिमिट मेरे पास लग गई है 0 से लेके 1 तक, 1 बाय n को मैंने लिखा dx अंडर रूट 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, ये हो गया। अब यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, आप x को cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर रूट में 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, मैंने यहां पर 1 प्लस x से मल्टीप्लाई और 1 प्लस x के साथ क्या किया, डिवाइड, dx है
लिमिट जीरो से कहां तक है, वन तक है। वन प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई, वन प्लस एक्स के साथ डिवाइड किया। ऐसा करने से देखिए होगा क्या, लिमिट लगी जीरो से वन, मेरे पास हो गया वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि क्या होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा भी किसके अंदर है, रूट के अंदर है। इतना हो चुका है, इज इक्वल टू लिमिट है जीरो से वन, वन प्लस एक्स रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, वो तो रूट से बाहर आ गया, पर अंडर रूट में मेरे पास क्या बचा हुआ है, वन माइनस एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। इतना हो गया। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए मैंने क्या किया, न्यूमिरेटर्स को सेपरेट कर दिया। पहले मैंने वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, देन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, ये इतना हो गया। अब इंटीग्रल को भी मैं सेपरेट सेपरेट कर देता हूं, जीरो से वन, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो चुका। अब कैसे किया जाएगा इंटीग्रेशन की, यहां मैं सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा सेकंड वाले पार्ट में, क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट का करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा, ये तो साइन इनवर्स एक्स होता है, लिमिट आपको पता ही है जीरो से लेके वन तक है। यहां पर मैं लगाऊंगा सब्स्टिट्यूशन सेकेंड पार्ट में, क्या अप्लाई कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब बाय सब्स्टिट्यूशन में मैंने वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्या रखा, टी, तो माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स डीएक्स बराबर क्या हो जाएगा, डीटी, ये हो गया। अब लिमिट भी तो पता करनी पड़ेगी, उससे पहले मैं एक्स डीएक्स को क्या लिख दूंगा, एक्स डीएक्स बराबर डीटी अपॉन माइनस ऑफ टू। लिमिट की बात करते हैं, जब x की जगह मैं जीरो रखूंगा, समझिएगा बहुत ध्यान से, वन माइनस जीरो स्क्वायर बराबर t, implies that t is equal to आ गया वन, और जब मैं रखूंगा वन, तो वन माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा, implies that t is equal to हो जाएगा जीरो, तो मेरे पास लिमिट भी निकल के आ गई। तो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट हो गई है, पहले लोअर लिमिट इस बार है वन, अपर लिमिट मेरे पास है जीरो, dx की जगह मैं रखूंगा dt अपॉन माइनस ऑफ टू, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टी। इतना अब करते हैं इसको इंटीग्रेट, साइन इनवर्स एक्स का कोई इशू नहीं है, इंटीग्रेट हो ही चुका है, लिमिट हमें क्या लगानी है जीरो से लेके वन, प्लस ये हो जाएगा माइनस ऑफ वन बाय टू बाहर। अब अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन मैं जानता हूं क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रूट टी, जिसमें टू से टू कट जाएगा, पर लिमिट हमें क्या लगानी है, वन से लेके जीरो। अब साइन इनवर्स एक्स पहले तो होगा, अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस, अब अंडर रूट टी, अब टी की जगह पहले आप क्या रखोगे, अंडर रूट ऑफ जीरो, देन आप क्या रखोगे माइनस लोअर लिमिट अंडर रूट ऑफ वन, तो कुल मिला के साइन इनवर्स वन हो जाएगा मेरे पास पाई बाय टू। मैंने साइन इनवर्स जीरो क्यों नहीं रखा, क्योंकि वैसे ही जीरो होना है, और अंडर रूट ऑफ वन भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर। अब ये टू तो वैसे ही कैंसिल आउट हो चुका था, क्या क्या मैंने कर दिया कि 1 बाय एन को हमने क्या रखा, डी एक्स, आर बाय एन को मैंने, क्योंकि एन कॉमन लिया तो मेरे पास आर बाय एन आ गया, जिसे हम क्या रखेंगे, एक्स। अब पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, पहले 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने किया है ताकि एक टर्म बाहर आ जाए रूट से, सेपरेट करेंगे न्यूमिरेटर्स को तो दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, सेकेंड पार्ट में आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेट करेंगे लिमिट रखेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है, बाकी सीरीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, साथ साथ 1 बाय एन स्क्वायर, 2 बाय एन स्क्वायर, 3 बाय एन स्क्वायर, ऐसा सब दिया हुआ है। तो जनरल टर्म जब मैं लिखूंगा, देखिए जनरल टर्म लिखना बहुत आसान है, बस मेरे को लास्ट टर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो कि मैं अभी कर देता हूँ। देखिए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय एन स्क्वायर सेकंड स्क्वायर 1 बाय एन स्क्वायर 2 by n square secant square 4 by n square plus 3 by n square secant square 9 by n square and so on up to 1 by n। अब मैं 1 by n को क्या लिखूंगा, मैं n by n square लिखूंगा, क्योंकि n by n square क्या होगा, 1 by n ही होगा, और secant square n square by n square लिखूंगा।
ये हो गया, ये हमारे पास सीरीज हो गई कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है 1 बाय n स्क्वायर, बाकी सारे टर्म तो सेम है, बस लास्ट वाला जो टर्म था ये जो 1 बाय n था मैंने इसे n बाय n स्क्वायर लिखा, और 1 को मैंने क्या लिखा n स्क्वायर बाय n स्क्वायर। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि आप कहेंगे कि सर ये r की वैल्यू आपने पहचान ली कि 1 है फिर 2 है फिर 3 है फिर कहां तक है n तक, 1 स्क्वायर है, 4 मतलब 2 स्क्वायर है, 3 मतलब ये 9 मतलब 3 स्क्वायर है और यहां पर n स्क्वायर है। तो समेशन n is equal to, sorry, summation r is equal to, r is equal to 1 से लेकर n तक जाएगा, साफ नजर आ रहा है r की वैल्यू 1 है फिर 2 है फिर 3 है n तक है, r is equal to 1 to n जाएगा, पर एक मेरे पास लगेगा r by n square और दूसरा मेरे पास होगा secant square r square by n square, ये मेरा जनरल टर्म बनेगा। जनरल टर्म का मतलब है आप इसे क्या कहते हैं, आप इसे rth टर्म कहते हैं। तो मेरा जो rth टर्म बन के तैयार हुआ वो समेशन r is equal to 1 to n बना, r by n square हो गया, secant square r square by n square हो गया, क्योंकि बाकी जो secant के आगे जो angles हैं उनमें क्या लगा हुआ है 1 square 2 square 3 square 4 square n square तक, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने r square लिखा, पर आगे natural number थे 1 2 3 4 थे तो वहाँ r की power 1 ही रहेगी। अब थोड़ा सा और simplify करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर n square को break कर दिया। कैसा ब्रेक किया मैंने, ये समेशन एज इट इज r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक एज इट इज, मैंने क्या लिखा, मैंने ऐसा लिखा 1 बाय n इनटू r, मैंने ऐसा लिखा क्योंकि था क्या, था तो n स्क्वायर, स्क्वायर है तो n और r बाय n में हमने ब्रेक कर दिया, ऊपर r ही रहेगा। अब secant स्क्वायर हमने इसे क्या लिखा, r बाय n का होल स्क्वायर लिखा, ऐसा कर दिया। अब आप कहेंगे कि सर अब तो बड़ा आसान हो गया, इंटीग्रेशन बनेगा 1 बाय n का क्या बनेगा, dx बनेगा जिसे हम बाद में लिख देंगे, r बाय n का क्या बनेगा x secant स्क्वायर, r स्क्वायर बाय n स्क्वायर क्या बन जाएगा x स्क्वायर बन जाएगा। बारी आती है लिमिट की, लिमिट मैं कैलकुलेट करता हूं, देखिए लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, r बाय n की वैल्यू r इज इक्वल टू 1 n टेंड्स टू इंफिनिटी तो हो गया 0, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट आपकी हो जाएगी n बाय n की वैल्यू जो कि हो जाएगा 1, और वैसे भी मैंने बोला था कि लोअर तो 0 ही होती है, अपर लिमिट n का कोफिशिएंट होता है। अब x स्क्वायर secant स्क्वायर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन करने के लिए आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो एंगल क्या है, स्क्वायर है, ऐसे केस में इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, बहुत ही आसान है, आपको यूज करना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसीलिए आपको जो चैप्टर 1 पढ़ाया गया है यहां पर, इसीलिए चैप्टर 1 में सारा का सारा कैलकुलस आपको पढ़ाया गया कि आपको इनकी जरूरत पड़ेगी हर यूनिट में, हर यूनिट में कैलकुलस के इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन की आपको जरूरत पड़ती रहती है। तो सब्स्टिट्यूशन में देखिए आपने क्या सब्स्टिट्यूशन किया, आपने एक्स स्क्वायर को क्या रखा टी, जिससे होगा क्या 2x dx is equal to क्या हो जाएगा dt, implies that x dx is equal to क्या हो जाएगा dt by 2। इसी के साथ साथ लिमिट भी मेरी चेंज होगी, इसी में x की जगह जब मैं 0 रखूंगा तो t बराबर क्या आ जाएगा, implies that t is also equal to 0, और जब मैं अपर लिमिट x की जगह जब 1 रखूंगा तो t मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, तब तो t is equal to 1 ही आ जाएगा। तो चलिए चेंजेस कर देते हैं, अब तो छोटे से में इंटीग्रेट हो जाएगा x और dx। देखिए क्या बात हो रही है कि ये जो x और dx है, ये x और dx है, ये कंबाइन होकर क्या बना देंगे, x और dx मेरे पास कंबाइन होकर क्या बना देंगे dt और by 2, by 2 मैंने बाहर किया कांस्टेंट है, और secant square x square तो ये क्या बनेगा secant square t। अब आप कहेंगे सर secant square का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है tan of t, लिमिट मेरे पास क्या है 0 से लेके 1 है, tan of t और लिमिट आप क्या लगा दीजिए 0 से लेके 1, बस यही हमारे इक्वेशन का आंसर निकल के आ गया। आप अपर लिमिट रखेंगे तो देखिए 1 by 2 तो बाहर है ही, tan of t, tan of 1 क्या हो जाएगा मेरे पास pi by 4, और लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो रखने का कोई मतलब ही नहीं है, tan 0 तो 0, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया pi by 8 निकल के आ गया। क्या-क्या मैंने कर दिया, सबसे पहले मैंने लास्ट वाले टर्म को सिंपलीफाई किया, 1 by n को n by n square और 1 को n square by n square,
जिससे जनरल टर्म या कहें तो आरएथ टर्म बन के तैयार हो गई, बस उसमें हमें एन को सेपरेट सेपरेट करना है। तो एक वन बाय एन अलग, आर बाय एन अलग, आर बाय एन को एक्स रखेंगे, आर बाय एन स्क्वायर को ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी रखेंगे, लिमिट भी चेंज कर देंगे और फिर आपका आंसर निकल के आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। तो ये आपके इक्वेशन का फाइनल आंसर है।